नमस्कार मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर बी एस आर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर आज मैं आपको बी ए पार्ट फर्स्ट के पे फर्स्ट पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार पुस्तक में से नौवे अध्याय में वैधता के प्रकार और उसकी प्रकृति के बारे में अध्ययन करवाऊँगा आधुनिक युग में मैक्सवेबर फरेरो रॉबर्ट डहल डेविड स्टन आदि ने वैधता के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख किया है डेविड स्टन के अनुसार वैधता के तीन प्रकार हैं नंबर एक विचारधारात्मक औचित्यपूर्णता नंबर दो संरचनात्मक औचित्यपूर्णता नंबर तीन व्यक्तिक औचित्यपूर्णता नंबर एक विचारधारात्मक औचित्यपूर्णता जब औचित्यपूर्णता किसी विचारधारा के आधार पर स्थापित होती है तो पूर्णता के इस प्रकार को विचारधारात्मक पूर्णता कहते हैं एक राजनीतिक विचारधारा अपने से संबंधित राज्य व्यवस्था को निश्चित उद्देश्य मूल्य एवं कार्यक्रम प्रदान करती है और इन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक संगठन एवं उपायों का भी निर्देश देती है विचारधारा राज्य व्यवस्थाओं की सीमाओं को भी तय करती है तथा शासक एवं शासित के संबंधों को स्पष्ट करती है जब जन सामान्य ऐसी किसी विचारधारा में विश्वास रखते हुए शासक वर्ग की सत्ता की औचित्यपूर्णता को स्वीकार करता है तो इसे विचारधारात्मक औचित्यपूर्णता कहा जाता है नंबर दो संरचनात्मक औचित्यपूर्णता प्रत्येक राजव्यवस्था व्यवस्था में अनेक संरचनाएं पद एवं संस्थाएं होती हैं जिनके निश्चित उद्देश्य मूल्य एवं कार्य होते हैं जब आम जनता राज्य व्यवस्था की इन संरचनाओं में विश्वास रखती है और शासक वर्ग इन संरचनाओं के अनुरूप ही आचरण करता है तो शासक वर्ग की सत्ता को औचित्यपूर्णता प्राप्त होती है और सत्ता के इस प्रकार को संरचनात्मक औचित्यपूर्णता कहा जाता है नंबर तीन व्यक्ति कोचित्यपूर्णता पर्सनल लेजिटिमेसी जब आम जनता नेता के चमत्कारिक व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उसकी सत्ता की औचित्यपूर्णता को स्वीकार करती है तो औचित्यपूर्णता की इस प्रकार को व्यक्तिक औचित्यपूर्णता कहा जाता है वस्तुतः जनता इस विश्वास के साथ ऐसे नेतृत्व को औचित्यपूर्णता प्रदान करती है कि वह मानती है कि नेतृत्वपूर्ण न्यायपूर्ण एवं नैतिक है तथा उसके सभी कार्य जनहित की रक्षा एवं वृद्धि के लिए हैं रॉबर्ट ए ने किसी राजव्यवस्था की औचित्यपूर्णता के स्तर को आधार बनाकर इसके दो प्रकार बताए हैं नंबर एक उच्च स्तरीय औचित्यपूर्णता तथा निम्न स्तरीय औचित्यपूर्णता यह उल्लेखनीय है कि डहल ने औचित्यपूर्णता के उपरोक्त प्रकारों के आधार पर राजव्यवस्थाओं का वर्गीकरण भी प्रस्तुत किया है उच्च स्तरीय औचित्यपूर्णता वाली राज्यव्यवस्था वह होती है जिसे जनता का पर्याप्त विश्वास व सहमति प्राप्त होती है इस प्रकार की राजव्यवस्था में शासन को अपनी नीतियों को लागू करने के लिए दमन बल एवं हिंसा का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं होती है तो प्रभावशाली होता है और आम जनता नेतृत्व में विश्वास रखती है अतः इस राजव्यवस्था में शासन के विरुद्ध षडयंत्र संघर्ष एवं विद्रोह की जरूरत भी नहीं होती है डहल के अनुसार इस प्रकार की उच्च स्तरीय राज्य व्यवस्थाएं ही वास्तव में औचित्यपूर्ण राजव्यवस्थाएँ होती हैं वह लोकतांत्रिक राज्यव्यवस्थाओं को इसी वर्ग में रखता है इसके विपरीत निम्न स्तरीय औचित्यपूर्णता वाली राजव्यवस्था है होती है जिसमें आम जनता का नेतृत्व यह उसकी नीतियों में विश्वास नहीं होता है और इसलिए शासन को अपनी नीतियों व आदेशों की पालना कराने के लिए दमन बल व हिंसा जैसे कठोर उपायों का सहारा लेना पड़ता है इस स्थिति में शासन से असहमत जनता को उग्र जन आंदोलनों अथवा नागरिक अवज्ञा आंदोलनों का सहारा लेना पड़ता है अथवा जनता का एक वर्ग शासन के विरुद्ध षड्यंत्र एवं सशस्त्र विद्रोह का रास्ता अपनाता है और युद्ध की स्थिति भी पैदा हो जाती है इस प्रकार की निम्न उचित पूर्णता वाली राजव्यवस्थाएँ शासन मूलतः शक्ति एवं बल पर आधारित होती है और उन्हें डहल अधिनायकवादी राजव्यवस्थाएँ कहता है मैक्स वेबर ने पूर्णता के तीन स्रोतों परंपरा संविधान व संगत कानून तथा चमत्कार के आधार पर पूर्णता के तीन अग्रलिखित प्रकार बताए हैं औचित्य पूर्णता संवैधानिक व संगत कानूनी पूर्णता तथा चमत्कारिक पूर्णता वैधता की प्रकृति या वैधता के लक्षण या विशेषताएँ वैधता की प्रकृति अथवा लक्षणों एवं विशेषताओं को निम्नलिखित रूपों में प्रकट किया जा सकता है नंबर एक वैधता व्यक्तिनिष्ठ है विश्वासनिष्ठ होती है व्यक्तिनिष्ठ नहीं विश्वासनिष्ठ होती है वैधता किसी पद को धारण करने वाले व्यक्ति में निवास नहीं करती बल्कि वैधता का आधार आम जनता का यह विश्वास होता है कि सत्ताधारी अपने पद के अनुरूप ही उचित आचरण करेगा इस प्रकार वैधता आम जनता के इस विश्वास में निहित होती है कि संपूर्ण राज्य व्यवस्था तथा तो इसके अंतर्गत आने वाली सभी संस्थाएं व पद शासक व शासित के हितों की रक्षा एवं वृद्धि की दृष्टि से पूर्ण उचित हैं एट जियोनी के अनुसार यह शासकों व शासितों के बीच की चीज है वैधता एक मान की आवश्यकता है वैधता किसी राज्य व्यवस्था की एक मान की आवश्यकता है वैधता एक साधन है जो यह प्रमाणित करती है कि राज्य व्यवस्था उन्हीं मूल्यों पर आधारित है जिन्हें जनता उचित मानती है लिपसेट का कथन है समूह राज्य व्यवस्था को वैध अथवा अवैध इस आधार पर मानते हैं कि राज्य व्यवस्था के मूल्यों तथा उनके अपने मूल्यों के बीच सामंजस्य है अथवा नहीं है इस प्रकार वैधता किसी राजव्यवस्था व्यवस्था के जनता द्वारा प्रमाणीकरण का साधन है नंबर तीन है वैधता मात्र वैधानिकता नहीं है तो इसमें हम बताएंगे कि साधारणतः माना जाता है कि प्राकृतिक कानून अथवा राज्य की प्रभुत्व शक्ति अथवा कानून निर्माण की प्रचलित प्रक्रिया के आधार पर बनाए गए सभी कानूनों को वैधता प्राप्त होती है किंतु यह दृष्टिकोण स्वयं में अपूर्ण है यही कारण है कि जब भी वैधानिक आधारों पर बनाए गए कानून जनता के मूल्यों के अनुरूप नहीं होते हैं तो जनता उन्हें वैधता नहीं देती है और उनका विरोध करती है वैधता द्वारा शक्ति को सत्ता में परिवर्तित किया जाता है वैधता के अभाव में शक्ति केवल बल होती है किंतु जब शक्ति को वैधता प्राप्त हो जाती है तो शक्ति स्वतः ही सत्ता में बदल जाती है इससे शक्ति के प्रभाव में वृद्धि होती है और उसे जन सहमति प्राप्त होती है जो उसके स्थायित्व में सहायक होती है पांचवी बात है वैधता सत्ता को स्थायित्व देती है वैधता के अभाव में सत्ता में जनता का विश्वास उठ जाता है और इस प्रकार सत्ता का स्थायित्व समाप्त होने लगता है वस्तुतः यह वैधता ही है जो सत्ता को प्रभावशाली बनाती है और उसे स्थायित्व प्रदान करती है यह उल्लेखनीय है कि किसी सत्ता को वैधता तभी ही प्राप्त होती है जब वह सत्ता वैधता द्वारा स्वीकृत मूल्यों यव मानकों के अनुसार आचरण करती है छठी बात वैधता का आधार विस्तृत सामाजिक स्वीकृति है लोकतंत्र के विकास के साथ ही यह विचार प्रबल हुआ है कि राज्य व्यवस्था की वैधता किन्हीं विशिष्ट व्यक्तियों अथवा अभिजन पर अभिजन पर निर्भर नहीं करती है अपितु तो किसी भी राज्य व्यवस्था की वैधता के लिए संपूर्ण समाज की सामान्य सहमति व स्वीकृति की आवश्यकता होती है और यह स्वीकृति किसी शक्ति अथवा दबाव के अधीन नहीं दी जानी चाहिए अभी तो, तो यह समाज की विवेकपूर्ण ऐच्छिक एवं विश्वासपूर्ण स्वीकृति होती है तो इस प्रकार से वैधता की प्रकृति को हम छः सात भाग छः भागों में बांट सकते हैं कि जिसमें उसने प्रथम तो बताया है कि वैधता व्यक्तिनिष्ठ नहीं है विश्वासनिष्ठ होती है दूसरी बात है कि वैद्यता एक मान की आवश्यकता है तीसरी बात यह है कि वैधता मात्र वैधानिकता नहीं है और चौथी बात यह है कि वैधता द्वारा शक्ति को सत्ता में परिवर्तित किया जाता है और पांचवी बात यह है कि वैधता सत्ता को स्थायित्व देती है और छठी बात का मतलब यह है कि वैधता का आधार विस्तृत सामाजिक स्वीकृति है जब तक समाज उसको स्वीकार नहीं करेगा वह वैधता नहीं बनेगी एक शक्ति ही बनी रहेगी और इस समाज की विवेकपूर्ण ऐच्छिक एवं विश्वासपूर्ण स्वीकृति होती है जो किसी दबाव में नहीं ली जा सकती यह स्वीकृति स्वेच्छा से और ऐच्छिक होती है विवेकपूर्ण होती है धन्यवाद